तुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी की अपनी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 घंटों में 1 किलोमीटर चलता है तो उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, उसको 20 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है तो उसकी चाल कितनी होगी। मैं कहूंगा 1 किलोमीटर बटा में 20 घंटे, तो ये बराबर हो गया a बटा b किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। अब इस चाल से उसको 200 मीटर जाना है तो भाई उसे कितने घंटे लगेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो भाई, 200 मीटर जाना है लेकिन आपको किलोमीटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और आपके चारों उत्तर भी घंटे में है। तो भाई आप मीटर पर सेकंड में तो इसको नहीं बदलोगे, पूरे सवाल को किलोमीटर पर आवर में ही रखना है। तो आपको एक काम करो, 200 मीटर को आप पहले किलोमीटर में देखो कितना है। जो दूरी है 200 मीटर ये किसके बराबर हुई है भाई, 0.2 किलोमीटर के बराबर हो गई भाई। यही होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो भाई 1 मीटर में मैं कहूंगा 1/1000 किलोमीटर, सो 200 मीटर में हो गए 200/1000 किलोमीटर यानी 0.2 किलोमीटर। तो अब भाई समय कितना लगेगा, भाई समय क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी होगी भाई, 0.2 बटा में चाल कितनी है भाई, a बटा b। तो ये मुझे मिल जाएगा 0.2b बटा में a। और 0.2 का क्या मतलब होता है भाई, 1/5 ही तो होता है ये, या फिर ये करो ऊपर नीचे दोनों को 10 से गुणा कर दो तो ऊपर बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा 10, फिर वो 2 उस 10 को काट देगा 5 पे। तो मैं ऐसे कह दूंगा भाई b बटा में 5a, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा है भाई, ऑप्शन बी, भाई b बटा में 5a घंटे लगेंगे उसे। चलो भाई नेक्स्ट, ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो वह बी स्थान पर किस समय पहुंचेगी। तो देख लो भी उसको कितना समय लगेगा, और उस समय में ये 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ देना तो पता चल जाएगा भाई कुल कितना समय लगा। अब देखो भाई, दूरी कितनी है 999 किलोमीटर और चाल है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी 999, चाल कितनी भाई 55.5, ठीक है। तो ऐसे देखो भाई किससे कट रहा है, 111 से कट रहा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 9 और नीचे कितना आ जाएगा भाई, 111 का 5 गुना होता है 555, तो लेकिन 555 नहीं है, 55.5 है, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिखूंगा, ठीक है, 5 नहीं करूंगा क्योंकि पूरा 555 नहीं है, पॉइंट है पहले, तो मैं 0.5 करूंगा इसको। तो भाई 9 बटा में 0.5 कितना मिल गया भाई, 18 घंटे लग गए। अब 18 घंटे तो लग गए लेकिन बीच में उसने 1 घंटे 20 मिनट रेस्ट भी किया है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा भाई 19 घंटे 20 मिनट, ठीक है। अब वो सुबह चली थी कितने बजे भाई, सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे के बाद 19 घंटे 20 मिनट कब पूरे होंगे भाई, रात के 1:20 में, ठीक है भाई। देखो सुबह 6 से दोपहर के 12 तक हो गए 6 घंटे, फिर रात के 12 तक 12 घंटे और हो गए, तो 6 और 12 18 घंटे हुए रात के 12 बजे तक। अब 1 घंटा 20 मिनट और, तो 12 बजने के बाद 1 घंटा 20 मिनट के बाद क्या बजेंगे भाई, सुबह के 1:20। चलो भाई नेक्स्ट, एक लड़का अपने घर से अपने साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर दोपहर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है, तो स्कूटर की चाल गति कितनी होगी। देखो भाई, पहले साइकिल निकली सुबह 10 बजे और उसके 1.25 घंटे के बाद स्कूटर निकला, साइकिल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल को स्कूटर ने दोपहर 1:30 बजे पकड़ लिया और स्कूटर की चाल पूछी गई है। तो देखो भाई, साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चली और कितने समय तक चली भाई, सुबह 10 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक कितने घंटे हुए भाई, 3.5 घंटे। तो दूरी कितनी तय की होगी उस साइकिल ने, मैं कहूंगा भाई 12 की गति से 3.5 घंटे, तो भाई 12 गुना में 3.5, 12 3 36 और 12 का आधा गुना कितना भाई 6, 36 और 6 कितना हो गया 42, यानी 42 किलोमीटर की दूरी तय की है उस साइकिल ने, और अब स्कूटर ने भी यही 42 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन स्कूटर ने समय कितना लिया भाई, स्कूटर ने समय कितना लिया, देखो भाई साइकिल ने 3.5 घंटे लिए और स्कूटर उसके 1 घंटे 15 मिनट बाद निकला था, तो स्कूटर ने 2.25 घंटे लिए, इसका मतलब
देखो 10 बजे साइकिल निकली और उसके 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर, यानी स्कूटर निकला हुआ 11 बज के 15 मिनट पे, और 1:30 बजे तक वो स्कूटर चला। तो 11 बज के 15 मिनट से लेके 1:30 बजे तक में कितनी समय हो गया? 2 घंटे 15 मिनट। तो मैं कहूंगा 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे, तो 2 घंटे पूरे हो गए, और 15 मिनट को मैं क्या कहूंगा? 1/4 घंटा। तो 2 + 1/4 यानी 9/4 घंटे लगे। अब दूरी है 42 किलोमीटर जो स्कूटर को तय करनी है, किस कितने समय में? भाई 9/4 घंटे में। तो भाई कितनी चाल रही होगी स्कूटर की? तो मैं चाल कह दूंगा भाई दूरी बटा समय, दूरी 42 और समय 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 42 × 4/9, ठीक है 3 से काट दो, 3 × 9, 3 का 14 गुना हो गया 42, तो 14 × 4 = 56/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56/3 मतलब 18 × 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है, यदि वह दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी? देखो दोनों क्वेश्चंस में दूरी बराबर दी है, यानी समय गुण चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय लिख दोगे, क्योंकि दोनों ही दूरी होती है ये, चाल गुना समय। अब दोनों फिक्स दे रखे हैं आपको, जो दूरी पहले तय की है वही दूरी बाद में तय की है, तो मैं कहूंगा पहली चाल गुणा पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणा दूसरा समय। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 घंटे लगे, तो मैं कहूंगा दूरी कितनी होगी भाई? 60 × 15। अब यही दूरी फिर से तय करनी है, चाल पता नहीं लेकिन 12 घंटे में तय करनी है, तो मैंने चाल मान ली x और ये 12 घंटे, यानी चाल गुणा में समय। अब यहां से x का मान निकाल लो भाई, 12 काट देगा इसको 5 पे, तो x कितना हो गया भाई? 5 × 15 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई ऑप्शन सी 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पे घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखो भाई हर 7-7 किलोमीटर बाद वो रुक रहा है, तो 90 किलोमीटर आने में भाई कितनी बार रुकेगा वो? मैं देखूंगा भाई 7 का पहाड़ा कितनी बार पूरा पूरा जाता है 90 तक। भाई 7 × 12 होता है 84, यानी कि पूरा 12 बार तो वो रुकेगा, लेकिन 13वीं बार रुक नहीं पाएगा, क्योंकि 7 × 13 होता है 91, तो 91 किलोमीटर तो उसको जाना ही नहीं है, 90 किलोमीटर ही जाना है। तो मैं देखूंगा भाई 90 किलोमीटर को जब मैं 7 से भाग दूं, भाई हर 7 किलोमीटर पे रुक रहा है, तो मैं कहूंगा पूरा पूरा वो 12 बार रुकेगा, ठीक है, क्योंकि 7 12 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 13वीं बार 90 से बड़ा हो जाएगा, तो 12 बार रुकेगा वो, और हर बार रुकने में कितना समय ले रहा है? 6 मिनट। तो भाई कुल समय कितना लिया भाई उसने रुकने में? रुकने में कुल समय मैं कहूंगा 6-6 मिनट करके वो 12 बार रुका, तो मैं कहूंगा 72 मिनट तक तो वो रुका ही रहा, ठीक है। अब वो चला किस चाल से चला? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कितनी दूरी? 90 किलोमीटर। तो मैं कहूंगा भाई चलने में जो उसने समय लिया है, चलने में समय वो किसके बराबर? भाई दूरी बटा चाल, यानी 80/18 कितना भाई? 5 घंटे, यानी 5 घंटे तो उसने चलने में समय लिया और 72 मिनट वो रुका रहा, 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो कुल समय कितना लग गया? 5 घंटे पूरे और फिर 1 घंटा 12 मिनट, और तो मैं कहूंगा 6 घंटे 12 मिनट, तो ऑप्शन बी 6 घंटे 12 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते, तो उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फटाफट ऑप्शन से उठा के देख लिया करो, देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। भाई उसने 84 किलोमीटर की यात्रा करी है, तो पहले मैंने मान लिया उसकी जो चाल थी वो एक्स थी, तो भाई कितना समय लगेगा उसको? भाई दूरी बटा में चाल, दूरी हो गई 84 और चाल थी एक्स, तो भाई ये समय लगा। अब उसने अपनी चाल बढ़ा दी भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी, तो अब उसकी नई चाल क्या हो गई भाई? x+5, तो अब उसको कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 84/ x+5, अब उसको ये समय लगेगा। लेकिन आपको बताया है उसने कि अगर वो ऐसा करता तो उसको 5 घंटे कम लगते पहले से, तो पहले ये घंटे लग रहे थे अब ये घंटे लग रहे हैं, अब पहले वालों से 5 कम है, तो पहले वालों में से 5 घटा दूं तो अब ये बराबर हो गए, यानी ये मेरी इक्वेशन बनती, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने की वजह आप क्या करो, आप ऑप्शन आपके पास फटाफट आप x की वैल्यू पुट करके देख लो। अब एक तो आप ये देखो भाई दूरी 84 है, तो एक तो आप x को तो ऐसा पुट करो के देखो सबसे पहले जो 84 से पूरा पूरा कट रहा हो, क्योंकि उसी पे आंसर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
अदरवाइज आप क्या करें भाई, एक बार एक्स को 5 रख के देख लो सोल्व हो रहा है कि नहीं, फिर 6 रखो, फिर 7 रखो, फिर 10 रखो, जो सेटिस्फाई कर जाए और इस इक्वेशन को वही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले 7 रख के देखो, क्योंकि 84 पूरा पूरा कट रहा है 7 से। तो जब मैं एक्स को 7 रखूंगा तो भाई 84/7 - 5 बराबर 84/, एक्स को 7 रखा तो 7 + 5 कितना भाई 12, तो ऐसे कितना मिल गया 84/7 = 12, 12 - 5 = 84/12 कितना भाई 7। क्या ये होता है भाई? बिल्कुल होता है भाई, 12 में से 5 के 7 ही होते हैं। तो मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी पहले उसकी चाल थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको कितने घंटे लग रहे थे? 84/7 = 12 घंटे लग रहे थे। अब उसने अपनी चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 जोड़ दिया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो 84 किलोमीटर जाने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 84/12 7 घंटे लग रहे हैं। पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 7 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे कम लग रहे हैं। वही उसने आपको बोला था, 5 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है चीजें। चलिए भाई नेक्स्ट। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी? देखो भाई, पहले घंटे उसकी चाल है 40, अगले घंटे हो जाएगी 45, फिर 50, फिर 55, भाई 5-5 बढ़ती जा रही है, तो कितने घंटे लगेंगे 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में? ठीक है, अब देखो ये तो काफी छोटी संख्या दे रखी है आपको 385, आप भी जोड़ के भी देख सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन को, कि भाई आप 40 में फिर 45 जोड़ो, फिर 50 जोड़ो, फिर 55 जोड़ो, फिर देखो भाई कितने बार जोड़ने पे आपको 385 मिल रहा है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज ये एपी बनेगी, एपी होती है आपके समांतर श्रेणी। देखो भाई, पहले घंटे कितनी दूरी तय होगी 40, दूसरे घंटे कितनी दूरी तय होगी 45, तीसरे घंटे कितनी होगी 50, ऐसे चलते चलते मैंने मान लिया एन घंटों तक, और ये टोटल दूरी कितनी तय होगी भी 385 किलोमीटर। और आपसे ये पूछा है भाई एन का मान क्या है, यानी भाई कितने घंटे लगे। ठीक है, तो भाई जो इसमें फॉर्मूला होता है आपका एस एन, भाई इन सभी संख्याओं का योग बराबर में एन बटा दो गुणा में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपकी a होती है पहली संख्या, जो कि इस क्वेश्चन में बराबर है 40 के। n आपकी होती है भाई नंबर ऑफ संख्याएं, भाई कितनी संख्याएं हैं टोटल, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको आप बोलते हो पदांतर, कॉमन डिफरेंस। तो भाई इसको मैं सॉल्व करूंगा तो भाई 385 बराबर आ जाएगा n बाई 2 गुणा में a का दुगना, भाई ए है 40, तो 40 का दुगना कितना 80 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 5। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर तो काफी छोटी उसने वैल्यू दी है आपको 385, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो भाई, पहले के घंटे हो जाएगी 40 किलोमीटर, अगले घंटे 45 जाएगी, तो 40 और 45 कितना हो गया भाई 85 हो गया। अब फिर 3 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी, अब अगले घंटे 50 जाएगी, 85 और 50 कितना भाई, मैं कहूंगा 135। अब अगले घंटे 55 जाएगी, तो 135 और 55 कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 190। अब अगले घंटे 60 जाएगी, तो 190 और 60 कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 250। अब अगले घंटे 65 जाएगी, तो 250 और 65 कितना हो गया भाई 315। अब अगले घंटे 70 जाएगी, तो 315 और 70 कितना हो गया भाई 385। तो देखो भाई, 7 घंटे में पूरे 385 पहुंच गई, तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी भाई 7 घंटे इसका सही उत्तर है। ठीक है, अदरवाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी आपको एन का मान 7 ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं, तो वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा? देखो भाई, वो गया तो पैदल, पैदल को मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे गया पैदल। ठीक है, और आया सवारी से, सवारी को मैंने सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, तो 6 घंटे 30 मिनट लगे, ऐसा होने पर उसको लगे 6 घंटे 30 मिनट, लेकिन अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाए तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच गए, यानी गया भी सवारी से और आया भी सवारी से। अब देखो, उसके 2 घंटे 10 मिनट बच गए, ये क्यों बचे? देखो, पहले वाली कंडीशन में भी वो आया सवारी से था और दूसरी वाली में भी आया सवारी से है, तो उसका टाइम बचा कहां है? सिर्फ जाने में उसका टाइम बचा है, यानी कि जब वो जा रहा था पहली कंडीशन में पैदल जा रहा था और सेकंड में सवारी से जा रहा था, और ऐसा होने से फर्क कितना आया भाई, 2 घंटे 10 मिनट बच गए,
यानी कि जब वो पैदल जाता है तो उसको 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं सवारी के मुकाबले, ठीक है। उसने बोला कि आपको वह दोनों तरफ पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखो, जा भी पैदल रहा है और आ भी पैदल रहा है, तो देखो ये पता चल गया पैदल जाने में उसको 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, किससे, जब वो सवारी से जाता है तब, एक तरफ जाने के, ठीक है। तो अब देखो जब यहाँ पे उसको 6 घंटे 30 मिनट लग रहे थे जब वो एक तरफ वापस सवारी से आ रहा था, लेकिन अब उसको वापस आना कैसे है भाई, अब वापस पैदल ही आना है, तो जब वो पैदल आएगा तो उसको 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे भाई 6 घंटे 40 30 मिनट से, तो अब उसको टोटल समय कितना लग जाएगा, 6 घंटे 30 मिनट में मैं जोड़ दूंगा 2 घंटे 10 मिनट, कितना उत्तर आ जाएगा भाई, 8 घंटे 40 मिनट। भाई ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मेंटली सोच के देखो भाई, जब जा पैदल रहा है और आ गाड़ी से रहा है तो उसको 6.5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर वो जाए पैदल और ना, अगर वो जाए भी गाड़ी से और आए भी गाड़ी से तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच गए। ये 2 घंटे 10 मिनट क्यों बचे, क्योंकि पहले तो पैदल जा रहा था, इस बार वो गाड़ी से ही गया है, ठीक है। आया तो पहले भी गाड़ी से था, इस बार भी गाड़ी से ही है, तो आने में टाइम नहीं बचा, सिर्फ जाने में टाइम बचा है, तो जाने में 2 घंटे 10 मिनट बच गए। इसका मतलब जब वो पैदल जाता है तो उसको 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं सवारी के मुकाबले। अब उसको वापस आना है, जो थर्ड केस उसने दिया, पैदल ही जाना है और पैदल ही वापस आना है, तो जब वो पैदल वापस आएगा तो वो 2 घंटे ज्यादा मिनट लेगा उस टाइम से जब वो सवारी से आता था, तो जब वो सवारी से आता था तब उसको 6 घंटे 30 मिनट लगते थे, लेकिन अब वो पैदल आ रहा है तो इससे 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे अब उसको, तो मैं कहूंगा 8 घंटे 40 मिनट का उसको समय लगेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि देखो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच गए सेकंड वाले केस में, मैं कहूंगा भाई गया था पैदल आया सवारी से तो लगे 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। सेकंड केस में गया भी सवारी से और आया भी सवारी से, अब उसके 2 घंटे 10 मिनट बच गए, तो भाई 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट घटा दो, कितना बच गया भाई, 4 घंटे 20 मिनट बच गए, यानी इस बार उसको 4 घंटे 20 मिनट ही लगे। तो इसका मतलब 2 घंटे 10 मिनट जाने में लगते थे और 2 घंटे 10 मिनट आने में लगते थे, ठीक है। तो जब उसको जाने में 2 घंटे 10 मिनट लगते थे सवारी से, तो यानी जब पहले वाले केस में यहां पे भी उसको 2 घंटे 10 मिनट ही लगे थे आने में, तो भाई इसको मतलब उसको पैदल जाने में कितना समय लगा होगा, मैं कहूंगा 6 घंटे 30 मिनट में से 2 घंटे 10 मिनट निकाल दो, कितना बच गया भाई, 4 घंटे 20 मिनट, यानी उसको एक तरफ पैदल जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते थे, तो इतना ही टाइम वापिस आने में लगेगा जब वो दोनों तरफ पैदल जाएगा और पैदल ही आएगा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा भाई 8 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 20 मिनट का दुगना, 8 घंटे 40 मिनट। चलो भाई नेक्स्ट, मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापिस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं, दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। अब देखो भाई, जब मैं एक तरफ पैदल गया और वापस सवारी से आया तो लगे 37 मिनट, लेकिन अगर दोनों तरफ पैदल चल रहा हूं तो 55 मिनट लग रहे हैं, कितने मिनट ज्यादा लग गए भाई 37 से, 18 मिनट ज्यादा लग गए, क्यों, क्योंकि मैं इस बार पैदल आया हूं, पिछली बार मैं सवारी से वापिस आया था, यानी कि जब मैं एक तरफ की दूरी पैदल तय करूं सवारी के मुकाबले तो मुझे 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब उसने बोला है दोनों तरफ सवारी से आने जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी अब वो जा भी सवारी से रहा है और आ भी सवारी से रहा है, तो हमें ये पता है भाई पैदल के मुकाबले सवारी से आने में, मतलब कोई भी एक तरफ की यात्रा करने में उसको 18 मिनट कम लगते हैं। पहली केस में जब उसको 37 मिनट लगे थे तब वो गया पैदल था और आया सवारी से था, इस बार आ तो सवारी से रहा है लेकिन जा भी सवारी से ही रहा है, तो जब वो पैदल जा रहा था उसके मुकाबले अब 18 मिनट कम लगेंगे क्योंकि सवारी से जा रहा है, तो 37 में से 18 घटा दो, मेरा उत्तर हो जाएगा 19 मिनट। भाई मैं ऑप्शन बी 19 मिनट पे टिक लगा के आगे निकल सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसी चीजें एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो उसको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो जब वो गया पैदल और आया सवारी से तो लगे उसको 37 मिनट, ठीक है, लेकिन जब दोनों तरफ पैदल गया, पैदल ही गया और पैदल ही आया तो लगे 55 मिनट, तो जब आने में और जाने में दोनों में मिलके 55 मिनट लगे हैं, तो मैं कहूंगा भाई 27.5 मिनट जाने में और 27.5 मिनट आने में लगे थे, इसका मतलब 27.5 मिनट लगे जाने में और 27.5 मिनट लगे आने में, ठीक है, तभी टोटल 55 बन गया। अब एक तरफ पैदल जाने में 27.5 मिनट लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे उसको, यहाँ भी 27.5 मिनट ही लगे होंगे उसको, यानी जाने में 27.5 लगे थे और आने जाने में मिलके 37 लगे थे, इसका मतलब आने में भाई उसको 9.5 मिनट लगे थे भाई, 27.5 और 9.5 मिलके हो गए कितना 37 मिनट, यानी जब वो सवारी से आ रहा है तो 9.5 मिनट लग रहे हैं,
तो सवारी से जब जाएगा तब 9:30 फिर से लगेंगे, तो 9:30 जाने में और 9:30 आने में मैं कहूंगा भाई 19 मिनट मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? देखो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब आप एक समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय कर रहे हो तो आप दूरी बराबर कह सकते हो, दोनों चालों का गुणा बटा में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। अब मेरी पहली चाल है, अब देखो घर से कहां से कहां जा रहे हैं, घर से स्कूल, तो दूरी फिक्स है, पहले दिन भी घर से स्कूल और दूसरे दिन भी घर से स्कूल, सेम दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई। पहली चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले दिन चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई मेरी दूरी जो है वो मैं क्या कहूंगा, दोनों चालों का गुणा भाई 4 गुणा में 5 बटे में दोनों का अंतर, 4 और 5 का अंतर कितना भाई 1, गुणा में समय का अंतर। अभी समय का कितना अंतर, पहले दिन तो वो 4-5 मिनट लेट पहुंच रहा था, 5 मिनट देरी से, और अगले दिन वो 10 मिनट पहले पहुंच गया टाइम से, तो एक दिन वो टाइम से 5 मिनट लेट पहुंच रहा है और एक दिन टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो अंतर कितना हो गया भाई दोनों दिनों में, मैं कहूंगा 15 मिनट का अंतर हो गया भाई, टाइम से 5 मिनट लेट पहुंचना और टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचना, इन दोनों में 15 मिनट का अंतर होता है, तो समय का अंतर मैं लिख दूंगा 15 मिनट नहीं लेकिन इसको घंटे में बदलना है, तो मैं कहूंगा 15/60 घंटे, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा दूरी, भाई पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर लेकिन घंटे में, तो 15 मिनट को घंटे में बदला तो 15/60, यहां से आपको उत्तर मिल जाएगा भाई 5 के 20, 20 काटेगा 60 को 3 पे, तो 15/3 कितना भाई 5 किलोमीटर, मैं कहूंगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर दूरी है घर से लेके स्कूल तक की, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो, देखो जब उसने उसकी चाल एक दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी स्पीड जो है वो उसने अपनी 4 से बढ़ा के 5 कर दी, तो मैं कहूंगा जो उसको टाइम लगेगा वो 5 से घट के 4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी फिक्स हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टा काम करती है, चाल बढ़ेगी समय घटेगा, चाल घटती है तो समय बढ़ता है, इसमें चाल बढ़ रही है 4 से 5 हो रही है, तो मैं कहूंगा समय 5 से 4 हो जाएगा। अब देखा भाई मैंने कितना घट गया समय, 1 घट गया, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कितना घटा, 5 मिनट देरी से अब 10 मिनट पहले पहुंचने लग गया, तो भाई 15 मिनट का अंतर आ गया, भाई 15 मिनट कम लग रहा है अब टाइम, तो मैं कहूंगा 1 की जगह आपको 15 मिनट दे रखा है, तो मैं कहूंगा 5 की जगह हो जाएगा कितना 75 मिनट और 4 की जगह हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि भाई आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी, यानी जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था तो उसको 75 मिनट लगते थे, फिर जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 60 मिनट लगते हैं, तो दोनों तरफ कहीं से भी दूरी निकाल सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, तो ऐसे चीजें आसान है भाई, 60 मिनट लगते हैं जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है भाई 1 घंटा ही, तो मैं कहूंगा दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा में समय, चाल है 5, समय हो गया 1 घंटा, तो 5 गुणा में 1 यानी 5 किलोमीटर की ही दूरी होगी, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो इस सवाल को। चलो भाई नेक्स्ट। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा, यानी पहले 55 की चाल से चल रही थी वो, अब 60 की चाल से चलेगी, तो जब 55 की चाल से चल रही थी तो 4 घंटे लग रहे थे, तो दूरी कितनी हो गई भाई 55 गुणा में 4, अब वही दूरी उसको 60 की चाल से तय करनी है क्योंकि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी अपनी स्पीड, तो 55 और 5 हो गया 60, अब 60 की स्पीड से मैंने मान लिया अब उसको x घंटे लग रहे हैं, तो ये हो गया भाई 60 गुणा में x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट लो, ये कट गया 11 पे, ये कट गया 12 पे, तो मैं x कह दूंगा बराबर हो गया, अच्छा 4 इसको काट देगा 3 पे, 11/3 घंटे, और 11/3 घंटे होते हैं 3 से ही 2/3 घंटे। अब उसने आपसे पूछा ये कि यात्रा में कितना समय कम लगेगा पहले से, पहले 4 घंटे लग रहे थे अब 3 से ही 2/3 घंटे लग रहे हैं, तो भाई अंतर कितने का हो गया, 1/3 घंटे का अंतर हो गया भाई, समय का अंतर भाई 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, अब 2/3 और जाना है, 1 में से 2/3 गए तो 1/3 घंटे, तो 1/3 घंटे कितने होते हैं भाई 20 मिनट ही तो होते हैं, ठीक है भाई, घंटे का तीसरा हिस्सा 20 मिनट कम लगेंगे अब उसको, सो मैं ऑप्शन सी भाई 20 मिनट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट।
यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी हो गई है 3 मिनट में, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी? देखो भाई, 1 मिनट में थी 50 मीटर, अब अगले मिनट 40 और आ गई भाई, तभी तो 90 हो गई, फिर अगले मिनट 40 और आ गई, तभी तो 130 हो गई, तो ऐसे होते होते 15 मिनट में कितनी? तो देखो 15 मिनट में कितनी भाई, पहले मिनट तो 50 है ही, अब ये 40 आए 12 बार, तो भी टोटल ना 40 आए 14 बार, क्योंकि 15 मिनट की बात हो रही है, तो एक बार तो 50 आ गया, फिर ये 40 40 40 40 आए 14 बार, तो टोटल 15 मिनट हो गए भाई। 15 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? मैं कहूंगा 50 प्लस में 40 गुना 14, तो कहूंगा 50 प्लस में भाई 14 का 40 गुना, तो जीरो लगा के 14 का 4 गुना कर दो, कितना भाई 56, यानी 560 प्लस में 50 कितना हो जाएगा उत्तर? 610 मीटर भाई, ऑप्शन ए, यानी 610 मीटर की दूरी तय हो जाएगी 15 मिनट में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी में उसे कितना समय लगेगा? देखो भाई, पहले तो देखो नॉर्मल उसको कितना समय लगेगा यदि वह विश्राम नहीं लेता, तो भाई 5 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो भाई दूरी बटा में चाल, 1/2 घंटे लगेंगे, जिसको मैं कह सकता हूँ कितने मिनट भाई 30 मिनट, 1/2 घंटे हो गए, यानी 30 मिनट तो उसको लगते सीधे सीधे अगर वो विश्राम नहीं करता तो, लेकिन उसने विश्राम किया भाई। ठीक है, विश्राम किस प्रकार किया? हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम किया, और टोटल वो 5 किलोमीटर गए, तो कितनी बार विश्राम किया? 4 बार विश्राम किया होगा, पहले 1 किलोमीटर के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 3 के बाद और फिर 4 के बाद, तो 4 बार विश्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो 5 किलोमीटर जब वो पहुंच गया, तो अब वो विश्राम करने का क्या फायदा? टाइम पे तो पहुंच ही गया, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी तय होगी, यानी 5 किलोमीटर जाने के लिए जब वो हर 1 किलोमीटर पे विश्राम कर रहा है तो 4 बार विश्राम करेगा, तो हर विश्राम 5 मिनट का है, तो 5 मिनट का विश्राम 4 बार, तो 20 मिनट का विश्राम हो गया, तो समय 30 मिनट तक तो वो चला और 20 मिनट का उसने विश्राम लिया, तो टोटल 50 मिनट उसके लग गए। हम कह देंगे भाई ऑप्शन बी, 50 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है, अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो स्कूल और उसके घर के बीच दूरी कितनी है? देखो भाई, वही सवाल थोड़ी देर पहले आया था, दूरी को मैं क्या कहूंगा? दोनों चालों के गुणा बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो देखो भाई, दोनों चालें कितनी हुई भी, पहली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले दिन उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी 3.5 हो गई अगले दिन, तो मैं कहूंगा पहली चाल गुणा में दूसरी चाल, बटा में चालों का अंतर कितना हो गया भाई 1 का, और गुणा में समय का अंतर। भाई पहले दिन वो पूछ रहा है 6 मिनट देरी से, और अगले दिन वो पहुंच रहा है 6 मिनट पहले, तो 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले अंतर कितना हो गया दोनों में? 12 मिनट का अंतर हो गया, और घंटों में बदलोगे तो 12/60 ये हो जाएगी मेरी दूरी। ठीक है, पहले वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया है फॉर्मूला बना कैसे है, आप कहोगे दूरी बराबर दोनों चालों के गुणा बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर, तो यहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है दूरी का। तो देख लो भाई कितना बनेगा, यहाँ पे 12 काट देगा इसको 5 में, 2.5 काट देगा 5 को 2 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 3.5/2, कितना होगा भाई 7/2 का आधा, यानी 7/4, 7/4 को मैं कह दूंगा 1/3/4 भाई, ऑप्शन सी 1/3/4 किलोमीटर दूरी है उसके घर से स्कूल की। चलो भाई नेक्स्ट। एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है, वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो पी और क्यू के बीच क्या दूरी होगी? देखो भाई, दूरी आपको दी नहीं गई है, तो आप एक बार कुछ मन से मान लो, आप ऐसा मानो कि भी जिसका आप 1/4 आराम से कर सको, तो 1/4 मान लो आप दूरी कितने मानोगे, 40 ही मान लो, मान लिया भाई आपने दूरी थी 40 किलोमीटर, एक बार मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 का 1/4 कितना हो गया भाई 10 किलोमीटर, और शेष कितनी बच गई 30 किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर गया भाई किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष वो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मैं समय की बात कर लूं भाई, समय कितना लगेगा 10 किलोमीटर जाऊं 10 की चाल से तो 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे देख लो भाई 30 किलोमीटर जाऊं 12 की चाल से तो 12 का 2.5 गुना होता है 30,
भाई 2.5 घंटे यहाँ लगेंगे, तो मेरा समय कितना आ गया भाई, टोटल 3.5 घंटे आ गए। लेकिन सवाल कह रहा है 3.5 नहीं भाई, आपको तो 7 घंटे लगे थे, तो यानी 3.5 का दुगना दे रखा है, 7। तो मैं कहूंगा भाई दूरी भी कितनी, मैं कहूंगा 40 नहीं, 40 का दुगना, मेरा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 80। ठीक है, तो ऑप्शन सी 80 किलोमीटर दूरी थी इनके बीच। ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन से उठा के कर सकते थे इस सवाल को, आप चारों ऑप्शन से एक बार पटापट उठा के देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा हो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ये कहता, मैंने ऑप्शन उठा लिया 80 किलोमीटर, तो कह रहे हैं 80 का 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 20 किलोमीटर। ये उसने दूरी तय की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, शेष कितनी बच गई, 60 किलोमीटर। ये उसने तय की है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यहां उसको कितना समय लगा, 20 दूरी 10 के चाल से 2 घंटे लग गए, यहां कितना समय लगा भाई, 60 की दूरी 12 के चाल से 5 घंटे यहां लग गए, 2 और 5 मिलके कितने हो गए, 7, और 7 ही उसने बोले थे, तो आप कह दोगे हाँ भाई 80 इसका सही उत्तर है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।